हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ होंडा की तरफ से हीरो की तरफ से आने वाली बाइक हीरो एक्सट्रीम 125। तो ये जो वेरिएंट है हमारे सामने एकदम न्यूली लॉन्च हुआ है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी आपको और देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बताता हूँ तो यहाँ पर ये बाइक 125 सीसी के वेरियंट में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मतलब कोई भी बंदा देख के ये नहीं कह सकता कि बाइक भाई 125 सीसी। अगर आप इस कॉल को अगर आप छुपा लेते हैं तो आपको कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा भाई ये बाइक 125 सीसी, क्योंकि इसको देख के सिर्फ यही फेस होता है कि भाई जिस हिसाब से फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एकदम DRL, दो DRL देखने को मिलते हैं, ये दो हमारे DRL हो गए। यहाँ पे दो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है जिसका नाइट में थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर में भी आपको LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है, मतलब वो भी एकदम लेटेस्ट वाला। मतलब अगर नॉर्मल आप किसी बंदे को दिखाएंगे भाई मैंने ये बाइक परचेज की है हीरो एक्सट्रीम, अगर इसको भी आप थोड़ा मॉडिफाई वगैरह करें तो बंदा ये नहीं कहेगा कोई भी बंदा कि ये बाइक 125 सीसी, क्योंकि लग देखने में 160 सीसी के आसपास आपको लगती है। यहाँ पे चाहे आप फ्रंट से देखेंगे, अगर आप पूरा ओवरव्यू अगर देखते हैं भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। रहा इसका रियर व्हील, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे भी आपको इसके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ऑल ओवर अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि यार देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप फ्रंट से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस टाइप का मीटर के ऊपर वाइजर वगैरह तो नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट हो गई। यहाँ पे आपको दो DRL देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हीरो का नया लोगो हो गया। बाकी नीचे आपको सीधे हेडलाइट आ जाती है जो कि यहाँ पे इसका देखने को मिलता था हमारा, तो कुछ इस पोजीशन पे आपको देखने को मिलता है इसका लुक वाइज। नीचे आपको हेडलाइट के अंदर आपको दो DRL देखने को मिलते हैं, यहाँ पे तो दो होगा DRL, यहाँ पे आपको दो प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे ये प्लेस आपको प्लेन देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं साइड से। अगर साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पे मडगार्ड आपका इस टाइप का होगा। यहाँ पे आपको सस्पेंशन के ऊपर ABS की वेजिंग देखने को मिलती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नीचे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह ऑफर किए गए हैं। यहीं पे अगर इसके बात करते हैं डिस्क ब्लेड की तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्लेड कुछ इस साइज़ की देखने को मिलती है, जो भी साइज़ है मैं अभी इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हमारा सिंगल चैनल ABS। बाकी अगर टायर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे टायर आपको 90x90 R17 का देखने को मिलता है। व्हील टाइप आपको अलावा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो व्हील है इसमें आपको थोड़ा लुक वाइज चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको डुअल रॉड का सेटअप देखने को मिलता है, लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बस यहाँ पर अगर आप थोड़ा अगर आप क्रोम वगैरह लगवा लेंगे साइड से, जैसे कि जो कलर वाइज होता है येलो या वाइट, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। इस साइड भी आपको ABS की वेजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इस साइड से बता दिया आपको। अगर बात करते हैं इसके इंडिकेटर की तो इंडिकेटर हमें कुछ इस टाइप के देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर आपको एकदम फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं। अगर आप बाई चांस सोचते हैं गिर के भी या बच्चे वगैरह तोड़ देते हैं तो इनमें आपको इस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब इस साइड से मैंने दिखा दिया। बाकी अगर इस साइड प्रोफाइल से अगर मैं बात करता हूँ, साइड से आप देखेंगे साइड से भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। साइज़ इसका देखने में भले आपको छोटा लग रहा हो लेकिन भाई छोटा नहीं है। सीट आपको टू पीस में स्प्लिट देखने को मिलती है बंदा जो चलाएगा। बाकी जो पीछे बंदा बैठेगा वो भी आगे के व्यू का एंजॉय लेगा कि आगे उसे दिखेगा कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं। चलिए बात कर लेना साइड से। साइड से आप देखें तो आपकी सबसे पहले नज़र इसके टैंक के ऊपर पड़ेगी जहाँ पर आपको एक्सट्रीम की वेजिंग देखने को मिलती है। नीचे आपको 125R की वेजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन वाइज हमें लेग गार्ड ऑफर किया गया, क्योंकि कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पे स्प्रिंट EBT आपको देखने को मिलता है। अगर इंजन की बात करते हैं तो इंजन हमें एकदम न्यू देखने को मिलता है। इंजन के ऊपर हीरो का लोगो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। यहाँ से एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी किक की बात करते हैं तो किक आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। किक के ऊपर पैडिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको स्प्रिंट EBT की वेजिंग देखने को मिलती है। अगर रियर ब्रेक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑफ़र किया गया है एकदम सही पोजीशन पे, जैसे कि जिस हिसाब से स्पोर्ट्स बाइक होती है तो वहाँ पे पैर आपका थोड़ा यूँ दबके रहता है तो वहाँ पे लुक वाइज अच्छी लगती है। यहाँ पे हमारा रियर ब्रेक का फुट रेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रियर फुट रेस्ट है यहाँ पे आपको कुछ मेटल का देखने को मिलता है। यहाँ पर मेटल का है लेकिन यहाँ पर आपको ग्रिपिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको शॉर्ट साइज़ में देखने को मिलता है, एकदम रेसिंग बाइक है तो उसी हिसाब से आपको देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट भी लुकवाइज काफ़ी मस्त आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हीरो की वेजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कॉल मतलब थोड़ा अलग कलर में देखने को मिलता है, कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ब्रेक आपको दो कलर में देखने को मिलता है, ब्लैक एंड थोड़ा आपका मैट ग्रे आप बोल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको शाइनिंग अच्छी देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके रियर व्यू की, तो यहाँ पर आपको MRF का देखने को मिलता है। और अगर टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल
120/80R17 का देखने को मिलता है, जो कि देखने में और साइज भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। जब आप रोड पे चलेंगे तो आपको एक अच्छी ग्रिप देखने को मिलती है, रोड प्रेजेंस भी भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त होगी। यहाँ पे आपको टायर प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा ये देखने को मिलता है इसका शॉर्ट मड गार्ड, कि यहाँ पे आपको मड गार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड से तो एकदम आपको प्लेन देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं ग्रैब हैंडल के बारे में, तो आपको ग्रैब हैंडल कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हीरो की बैजिंग देखने को मिलती है। ग्रैब हैंडल वही हमारा हो गया जो आपने ज़्यादातर अपाची वगैरह में देखा होगा, बाकी अब तो ये ज़्यादातर बाइकों में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको इसकी टेल कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। टेल एकदम मेटल की तो नहीं, लेकिन यहाँ पे फाइबर जो भी यूज करा हुआ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे इंडिकेटर होगा, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फ्रंट के आपको इंडिकेटर दिखाए थे सेम उसी पार्ट के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइटिंग होगी, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। मतलब इस साइड से देखने में आपको कुछ इस टाइप की लगती है। अगर यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे जो मैंने आपको इसका गार्ड दिखाया था ये मड गार्ड हो गया, बाकी यहाँ पे प्रोटेक्शन भाई देखने को मिलता है, जो यहाँ पे भी भाई एकदम हार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, और ये पार्ट आपका अटैच कुछ यहाँ से देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये तो खैर फाइबर है, यहाँ पे आपको मेटल का वर्क देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का। यहाँ पे अगर व्हील की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको चैन ओपन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे चैन कुछ इस टाइप से आपको ओपन देखने को मिलती है। यहाँ पे ऊपर तो आपको फुल कवर देखने को मिलती है, लेकिन हाँ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई धूल मिट्टी काफ़ी आराम से अंदर जाएगी, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी स्पोर्ट बाइक का तो नॉर्मली आप हफ्ते दो हफ्ते में इसको ठीक कराते रहेंगे। यहाँ पे ए फुट स्टेप हो गया, यहाँ पे लेडीज फुट स्टेप आपको नहीं देखने को मिलता है, तो ये तो खैर इस बारे में बात होगी। इस तरफ की अगर बात करते हैं गियरिंग की, तो यहाँ हमें कुछ इस टाइप का गियर देखने को मिलता है। बाकी गियरिंग के बारे में भी बात कर लेंगे कि कितने स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इस तरफ भी आपको एच हीरो देखने को मिलता है। यहाँ पे ये हमारा बैटरी कंपार्टमेंट है, मतलब जब एजेंसी पे बाइक खड़ी तो बैटरी निकाल के खड़ी कर दी जाती है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, बाकी बैटरी वगैरह ड्रेन ना हो। यहाँ पे आपको हीरो देखने को मिलता है। बाकी अगर सीट ओपन करने की बात करें तो सीट काफ़ी आराम से यहाँ पे आप की लगा के ओपन कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस साइड के तो बारे में बात कर लेते हैं टैंक के बारे में, तो यहाँ पे आपको टैंक कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। E20 हमारा वही इथेनॉल पेट्रोल आपका यूज हो जाएगा, बाकी 20% इथेनॉल एंड 80% आपका पेट्रोल का कॉम्बिनेशन होता है, तो बड़ा आपको माइलेज काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टैंक के ऊपर 1-2 कॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम की वेजिंग देखने को मिलती है दोनों साइड। बाकी ये हमारा रहा इसका फ्यूलिट, काफ़ी आराम से ओपन हो जाएगा। लुक वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टंकी बीच वाला अलग पार्ट में देखने को मिलता है, कलर वाइज आप समझ सकते हैं एक ही है। यहाँ पे अगर हॉर्न की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको हॉर्न सिंगल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलता है। खैर वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए बात कर लेते हैं एक जो आपको कॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको 125R की वेजिंग देखने को मिलती है। इस तरफ की बात करते हैं हैंडल बार, तो इस तरफ आपको देखने को मिलता है हमारा क्लच, इस तरफ हमारा हो गया फ्रंट ब्रेक, ये रहा हमारा एक्सेलरेटर। यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट का बटन देखने को मिलता है, सेल्फ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, फ्रंट ब्रेक ऑयल कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। इस तरफ आपको लो बीम एंड हाई बीम, यहाँ पे आपको हैजार्ड ऑफर किया गया है, मतलब हैजार्ड का मतलब आप समझ सकते हैं चारों आपको इंडिकेटर एक साथ में अगर जलाने तो इस बटन का आपको यूज़ करना होगा, मतलब इसमें आपको आफ्टर मार्केट कोई भी वर्क कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की पोजीशन वाइज देखने को मिलता है, ये रहा हमारा बीप। तो यहाँ पे हैंडल बार कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, लेकिन एकदम स्पोर्टी आपको हैंडल बार भी देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे इग्निशन स्विच की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको इग्निशन स्विच कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे मीटर कंसोल आपको देखने को मिलता है फुल्ली डिजिटल। यहाँ पे आपको हीरो की बैजिंग देखने को मिलती है, फ्यूल गेज हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हमारा चेक इंजन लाइट, यहाँ पे साइड स्टैंड, यहाँ पे न्यूट्रल साइन, यहाँ पे लो बीम हाई बीम, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे आपको ABS वगैरह देखने को मिलता है। बाकी एकदम आपको ये चीज़ डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं देखने को मिलती है, जो कि है हमारा USB पोर्ट। तो USB पोर्ट आपको यहाँ पे इस पोजीशन में देखने को मिलता है कि कोई बंदा अगर बाई चांस ड्राइव करता है तो काफ़ी आराम से यहाँ पे देखने को मिलता है, फ़ोन आपका यहाँ पे लग जाएगा, काफ़ी आराम से फ़ोन चार्ज होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लुक वाइज एंड जिस प्राइस रेंज में समथिंग 1,21,000 की पड़ती है। अगर यहाँ के शोरूम की अगर मैं बात करता हूँ, तो शोरूम है हमारा दिनेश ऑटो सेल्स में आपका हार्दिक स्वागत है, दोबारा सेवा का मौका अवश्य दें। मतलब ये जो शोरूम का नाम है दिनेश ऑटो सेल्स, ये आपको पड़ता है परखेड़ा में। टंकी पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क देखने को मिलता है, जो कि लुक वाइज भाई काफ़ी ज़्यादा है, जो आप समझ सकते हैं ग्रैब हैंडल टाइप का तो पकड़ने की, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ देखने को मिलती है।
तो गाइज यहाँ पे मैंने इस बाइक के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये बाइक आपको दो वेरिएंट के साथ पांच कलर ऑप्शन में, सॉरी तीन कलर ऑप्शन में देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे अगर इसके इंजन वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 124.7 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर 11.4 bhp के मैक्सिमम पावर 8250 rpm। और अगर टॉर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 10.5 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 6000 rpm पे देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर माइलेज की अगर मैं बात करता हूँ हीरो एक्सट्रीम, तो यहाँ पे आपको 125 cc का इंजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको माइलेज आराम से 65 से 70 km का काफ़ी आराम से देखने को मिलता है। यहीं पे अगर राइडिंग रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 660 किलोमीटर की देखने को मिलती है। और अगर टॉप स्पीड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको 95 km/h की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। बाकी ट्रांसमिशन वाइज यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जिसका गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न आपको 1 डाउन एंड 4 अप देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। और अगर रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 1.6 लीटर की रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। बाकी यहाँ पे एम्बिशन स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको BS6 Phase 2 देखने को मिलता है, इसको आप BS7 भी बोल सकते हैं। फ्यूल टाइप आपको पेट्रोल ऑफर किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं ब्रेक्स व्हील्स एंड सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन DS37 Conwheel फ्रॉग देखने को मिलता है। और रियर सस्पेंशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक टाइप देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम आपको IBS ऑफर किया जाता है, जो कि यहाँ पे नया ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया हुआ है हीरो वालों ने। बाकी यहाँ पे अगर फ्रंट ब्रेक टाइप की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क एंड जो कि फ्रंट ब्रेक साइज है, यहाँ पे आपको 240 mm डिस्क देखने को मिलता है। कैलिपर फ्रंट में आपको दो पिस्टन देखने को मिलते हैं। रियर ब्रेक आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए, जिसका साइज आपको 130 mm देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। व्हील टाइप आपको अलॉय देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे अगर बात करते हैं व्हील टाइप की, तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ अलॉय देखने को मिलता है। व्हील साइज यहाँ पे आगे पीछे सेम साइज के देखने को मिलते हैं, 17 इंचेस के। बाकी फ्रंट में टायर जो आपको देखने को मिलता है 90x90R17। और रियर में आपको जो साइज देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, 120x80R17 का देखने को मिलता है। टायर टाइप आपको ट्यूबलेस ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे ये तो चीजें मैंने बता दी। चलिए बात कर लेते हैं डायमेंशन एंड चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको 136 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर सीट हाइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, जो कि 2 पीस के साथ देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 794 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि बाइक अभी खड़ी है हमारी मेन स्टैंड पे, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको 2009 mm देखने को मिलता है। ओवरऑल विड्थ यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, 793 mm। और अगर ओवरऑल हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 1051 mm देखने को मिलती है। व्हील बेस यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलता है, जो कि हमारा 1391 mm, जो कि काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। चेंजेस टाइप हमारा भी डायमंड फ्रेम देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे मैनुफेक्चर वारंटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको हीरो की बाइक में, जो कि हमारे सामने खड़ी है हीरो एक्सट्रीम 125R, में आपको 5 साल या फिर 70,000 किलोमीटर की देखने को मिलती है। मतलब जो भी चीज आपकी पहले हो जाए या फिर खड़ी रहती है, कम चलती है, तो आप टाइमिंग समझ सकते हैं कि वारंटी चलती अच्छी है। तो यहाँ पे आप 70,000 किलोमीटर की समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में जैसे कि मैंने आपको समझा दी कि यहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, कैसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैं इसके पे मैं वीडियो शूट करने आया हूँ। यहाँ के अगर एड्रेस की बात करता हूँ तो ये एड्रेस आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के बरखेड़ा में। यहाँ पे आपको दिनेश ऑटो सेल्स करके बरखेड़ा में काफ़ी अच्छा शोरूम देखने को मिलता है। जब आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से डील किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके प्राइसिंग की। अगर इस बाइक की बात करते हैं तो जो कि हमारे सामने खड़ी है सिंगल चैनल ABS में, कि अगर मैं प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो कि हमारे सामने बाइक खड़ी है तो एक्सट्रीम 125 आ रही है। बाइक आपको दो वेरियंट के साथ तीन कलर ऑप्शन में देखने को मिलती है, जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमारा सिंगल चैनल ABS। अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको एक्स शोरूम 1,839,000 रुपये की देखने को मिलती है। और अगर यहीं पे मैं ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बाइक आपको ऑन रोड 1,20,399 रुपये की देखने को मिलती है। लेकिन अभी आप अगर हाल ही में इसको परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छी सी डील देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे जो भी एक्सेसरीज वगैरह हेलमेट वगैरह सभी कुछ आपको साथ में दिया जाएगा। बाकी जो मैंने प्राइस बताया इसमें भी आपको थोड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बाकी आपको अगर डिस्काउंट वगैरह जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह या कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा, वहाँ आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, दोनों वेरिएंट में से किसी वेरिएंट का नाम वहाँ से मैं चेक करके आपको आपके सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का था इस बाइक का रिव्यू, जो कि हमारे सामने खड़ी है हीरो एक्सट्रीम 125R। यहाँ पे अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।